गांव में जब से हमारे 70 सालों में तो बड़ी मुश्किल से तो पाइपलाइन डाली है इन्होंने पानी पीने के लिए पूरे गांव में हाथीगढ़ा में, और उसमें से कानाड़ी मोहल्ला ऐसा है जिसमें प्रॉपर समस्त कॉलोनी में कहीं भी पाइपलाइन पूरी तरह से नहीं डाली गई है, और जहां डाली गई है वहां से कभी भी पर्याप्त पानी हमारे को नहीं मिला है। उसके बावजूद हमने कई बार एक्शन साहब को, जेएन साहब को, यहाँ के जो सप्लाई करते हैं हमारा पानी वानी, उनको कई बार शिकायतें दे दी, हमारी समस्या से अवगत करा दिया। उसके बावजूद हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ऊपर से बिल, एवरेज बिल ये मन मर्जी से दे रहे हैं 5,448 रुपये, जो शायद अजमेर ज़िले में किसी भी घर में नहीं आता होगा ऐसा बिल। और दूसरा बिल है ये अपना 3,573 रुपये। इनमें से जितने भी ये कम से कम 60-70 बिल है, इनमें से 30% घरों में पानी आता है, लेकिन वो मुश्किल से 4 या 5 मटकी भर सके उतना ही पानी आता है। उनमें से 70% घरों में आज तक एक बूंद पानी की नहीं पहुंची है। वो भी अपना अपने अधिकारी का कहना है कि आपने कनेक्शन लिया है तो बिल भरना पड़ेगा, बिल नहीं भरोगे तो पानी नहीं मिलेगा। और उल्टा पानी नहीं आने के बावजूद, पहले इन्होंने जब हम शिकायत लेकर आए थे ना, तो पानी जिस घरों में नहीं आ रहा था ना, तो उन्होंने कनेक्शन ले रखा था तो उनको अवैध बताया कि सारे पाइपलाइन काट कूट के और यहाँ लाके पटक दिया। उल्टा समस्या का समाधान करने की बजाय हमारे 40-50 घरों के पाइपलाइन ये काट कूट के यहाँ लाके पटक दिया, और उल्टा हमारे को कानूनी कार्रवाई की धमकी देने लगे। ठीक है ना, तो जब चुनाव हुए थे हमारे पिछले उपचुनाव जो लोकसभा के, उस टाइम में तो हमारे को बोल दिया गया, बोले कि आप कनेक्शन ले लो, पाइपलाइन डल गई। तो गांव वाले बोले कि कनेक्शन तो ले लिया हमने, आप बोलते तो हम वो फाइल भी जमा करा देते, जो भी हमारे को डिमांड थी। लेकिन पता नहीं है किस जन्म का बदला ले रहे कि 70 सालों में बड़ी मुश्किल से तो हमारे को पानी दिया गया, और वो भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा है। 70% घरों में अभी तक कोई पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसके बावजूद ये जो बिल आ रहे हैं, ये बिल हमारे बजट के बाहर हैं, और इस समस्या के कारण ये बिल हम नहीं भरने में असमर्थ है। हमारे पूरे ग्रामवासियों में काफ़ी रोष है। इस बाबत हम जलदाय विभाग में ये शिकायत लेकर आए हैं, तो इन लोगों का हमारे को कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला है। मेरा नाम विजय सिंह रावत, जिला उपाध्यक्ष रावत सेना, अजमेर। बाकी बिलों को लेकर कुछ समस्या है गाँव की, काफ़ी लंबे टाइम से बिल आ रहे हैं, किसी के 5,000 होते, कभी 7,000, कभी 6,000, कभी 3,000। मतलब जो गरीब आदमी है मजदूरी करके 100 रुपये कमा के लेके आता है, तो उसका घर चलाएगा कि ये 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिल भरेगा। ठीक है, पहले जब जलदाय विभाग को हमने शिकायत दी, ये हमारे घरों में पानी आ नहीं रहा, तो उन्होंने बोला कनेक्शन लो, पहले ज़्यादा कनेक्शन लोगे तो पानी भरे आएगा आपके घरों में। फिर हमने जैसे तैसे कनेक्शन लिया, कनेक्शन की जो गाँव के अंदर जो रेटें थी जलदाय विभाग की रूरल के अंदर, वो थी 1100 रुपये की। फिर उन्होंने बोला कि 2600 रुपये लगेगा उसका चार्ज, तब भी हमने 2600 रुपये चार्ज दिया, जबकि वो 2600 रुपये चार्ज लगता ही नहीं है। 1100 रुपये चार्ज के हिसाब से ही सब गाँव में कनेक्शन दिया गया आज तक, पूरे जितने भी गाँव में सब में 1100 रुपये का कनेक्शन मिला है लोगों का। हमारे गाँव में 2600 रुपये कनेक्शन लिया, उसके बाद में भी बिल की हालात ये है, जहाँ एक बूंद पानी नहीं आया जिस घर के अंदर, उस घर का बिल आ रहा 5,548 रुपये। वो कहाँ से बिल भरेगा, उसका घर का खर्चा चलाएगा। लाल सिंह रावत, उप सरपंच, ग्राम पंचायत अतिगढ़।